बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रसमलाई। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें मैं 1 चम्मच नींबू ले ली हूँ। इसको हम डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। धीरे धीरे से फट रहा है। इसको हम जब तक पकाएंगे, जब तक कि दूध पानी और मलाई अलग हो जाए, जब तक पकाएंगे। दूध हमारा फट चुका है। इसको मैंने ठंडा भी कर लिया था, तो हम अब छान लेंगे। मैं एक कटोरा रख ली हूँ। इसके ऊपर हम काटन का पतला वाला कपड़ा इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे दूध, हम डालेंगे दूध को। मैं इसमें थोड़ा पानी देखिए ताकि हम लीमो डालें ना, कि पानी से उसका खट्टापन चले जाए। इस तरह से उठा लेंगे। गीटी बनेंगे, सिंपल रख लेंगे। इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, तब तक हम कैसे लगा देंगे। इसका पानी में अच्छे से निकाल लिया है। इसको हम खोल लेंगे। पानी अच्छे से निकल चुका है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हम अच्छा आटे की तरह मल लेना है, एकदम सॉफ्ट मलने के बाद। मैंने एक पैन को गैस पर चढ़ा लिया। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, 1 कप शक्कर डालेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब तक शक्कर मेल्ट होती है, जब तक हम इसके रसगुल्ले बना लेंगे। मैंने थोड़ा हाथ पे घी लगा लिया। इसको इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। सारे इस तरह से बना लेंगे। दो इलायची हैं, इसको मैंने चीर लिया है। इसको हम इसमें डालेंगे। शीरा हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे रसगुल्ले। इनको 5 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। अच्छे से बॉईल हो चुके हैं हमारे रसगुल्ले। इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सारे निकाल लिए हैं। कप शक्कर डालेंगे इसमें। शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। 1 कप मैंने ठंडा दूध ले लिया। इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम डालेंगे दूध में, इसमें थोड़ा सा मिक्स करते हुए डालेंगे। हमारा कस्टर्ड का मिल्क अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जाफरान, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। मिल्क हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें हम डालेंगे इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से पिस्ता। थोड़े से डालेंगे बादाम।
आपको अगर इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लजीज है बहुत। दहा पीस।